यस हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सेकंड पोर्शन की ओर लेके चल रहा हूँ। अब तक अपन जो प्रीवियस क्लासेस में जो स्टडी कर रहे थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कर रहे थे। अब उसका दूसरा पार्ट मैग्नेटोस्टैटिक्स पर चल रहा है, ठीक है। मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बीच में कोई इंटर रिलेशन कि यूनिफॉर्मली मूविंग स्टेशनरी चार्ज इज द प्रोड्यूस द मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। जैसे अपने पास स्टेशनरी चार्जेस के बारे में अब तक क्या स्टडी कर रहे थे अपन, बाउंड्री एंड नियर टू द स्टेशनरी चार्ज आर नॉट मूविंग। एक स्टेशनरी चार्ज और बाउंड्री के बीच में इंट्रैक्शन की स्टडी अपन कर रहे थे, बट देयर इज नॉट स्टेशनरी बट इज द यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज फेनोमेना इज नॉन द करंट। इसे अपन सिंपली फॉर्म में कह सकते हैं करंट, और जो करंट है जो फील्ड इंड्यूस करता है इज नॉन द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटोस्टैटिक्स कब तक रहेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग टू टाइम हो जाएगा, मतलब करंट यदि स्टेशनरी है, इसमें अपने पास मान लो जिस फॉर्म में फ्लो हो रही है और करंट इज स्टेशनरी, स्टेडी स्टेट को अपन बात करेंगे। जितना चार्ज इनकमिंग होता है उतना आउटकमिंग होता है किसी सिस्टम में। स्टेशनरी स्टडी स्टेट का मतलब होता है कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। तो चार्ज कंजर्वेशन एक डिफाइंड वॉल्यूम सरफेस बाउंड्री ले ली कि जितना इसमें चार्ज पर सेकेंड इनकम होता है इनकमिंग होता है उतना आउटगोइंग हो जाता है। तो इज दिस रीजन इज द स्टडी स्टेट रीजन ऑफ करंट, ठीक है। तो स्टडी स्टेट में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, अब मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है अपनी नोट करें। पहले मैग्नेटिक फेनोमेनोन, जैसे इलेक्ट्रिक फेनोमेनोन कहाँ से आया अपने पास, तो इलेक्ट्रिक फेनोमेन कहाँ से प्रोड्यूस हुआ। इलेक्ट्रिक फेनोमेनोन क्या था कि मटेरियल के बीच में रबिंग या इंट्रेक्शन होता है, देन आर प्रोड्यूस ए इफेक्टिव फील्ड्स विच आर ऑल्सो बी इंटरेक्ट बाई ईच अदर। कि दो मैट्रिक्स को या मैट्रिक सरफेस को आपस में रबिंग करते हैं तो उनके बीच में कोई फील्ड जनरेट हो गया, इसको अपन इंटरेस्टिंग नेचर में इलेक्ट्रिक फेनोमेना बोलते थे। तो ये जो मैग्नेटिक फेनोमेना है वो भी मटेरियल से रिलेटेड है कि सम टाइप ऑफ मटेरियल्स इन द नेचर एग्जिस्ट ऑल्सो इंड्यूस ए फील्ड बाई विच अदर मेटल्स या स्मॉल पीसेज पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट बाई इच। मतलब एक मटेरियल मैग्नेट्स को कहते हैं कि अपने मैग्नेट प्रॉपर्टी वाले मेटल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो अपने पास आयरन्स या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस करने वाले मेटल्स होते हैं पीसेज को क्या करता है अट्रैक्ट करता है, इसको अपन मैग्नेटिक पावर कहते हैं। तो अपन ये जो अर्थ एक नेचुरल मैग्नेट पावर वाला है, तो अर्थ अपने पास जेंट है ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो मेटल से ही रिलेटेड है कि इलेक्ट्रिक फेनोमेना और मैग्नेटिक फेनोमेना डिफरेंट है, बट आर आफ्टर बाय मैक्सवेल इक्वेशंस आर इंटररिलेटेड ईच अदर, इनको अपन मैक्सवेल इक्वेशन में इंटररिलेटेड करते हैं। तो मटेरियल मैग्नेटिक फेनोमेना था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फेनोमेना मटेरियल से आया था। तो यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ क्योंकि अपने पास पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल से तो कहते हैं कि फील्ड जनरेटेड बाय द मैग्नेट सराउंडिंग या नेबर टू अराउंड टू रीजन इज नॉन द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है अपने पास, एक्चुअली द करंट्स या मूविंग चार्जेज आर द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मूविंग चार्जेज इंड्यूस ए फील्ड सराउंडिंग टू इटसेल्फ इन विच अनदर मूविंग चार्जेज एक्सपीरियंस ए फील्ड या फोर्स। मान लो कि मूविंग चार्जेज है Q1 और दूसरा एक अदर मूविंग चार्जेज विथ वेलोसिटी V1 विथ वेलोसिटी मान लो V2 इज द Q2 देन इंट्रैक्ट ईच अदर, दिस इंट्रैक्शन इज द मैग्नेटिक इंट्रैक्शन। कि मूविंग चार्जेज के नियर अदर मूविंग चार्जेज जो आपस में इंट्रैक्शन करते हैं उसको मैग्नेटिक इंट्रैक्शन कहते हैं। या दो इंट्रैक्शन बिटवीन टू करंट वायर्स, मान लो एक करंट वायर I1 एंड इज द I2 बाय द एम्पियर लॉ, कि I1 I2 करंट वायर्स को बीच में जब करंट फॉलो करते हैं तो बीच में इंट्रैक्शन करते हैं, रिपल्सन और अट्रैक्शन बहुत सारे इंट्रैक्शन आर अवेलेबल। बट ए डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि इन द मैग्नेटोस्टैटिक्स द मैग्नेट मोनोपोल नॉट एग्जिस्ट,
but if the electricity monopole is exist, plus charge or minus charge separately each other, but in this the magneto material जो magnetic phenomena है उसका कोई individually source नहीं होता, monopole इसमें source और sink दोनों include की incoming out, इसीलिए electric lines of force जो होती है वो क्या होती है, are in the curved form, incoming source और outcoming source में actually कोई source नहीं होता। तो अपने पास यहाँ इंट्रेक्शन की बात करें तो टू करंट वायर्स के बीच में इंट्रेक्शन आल्सो नॉन द मैग्नेटिक इंट्रेक्शन, और एक करंट वायर के सराउंडिंग इंड्यूस्ड फील्ड इज नॉन द मैग्नेटिक फील्ड, बट ओनली अदर मूविंग चार्जेज आर एक्सपीरियंस दिस फोर्स। ऐसा नहीं कि एक चार्ज को मूव करा दे स्टेशन करा दें तो द स्टेशन चार्ज नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक इंट्रेक्शन, वो भी क्या होना चाहिए, मूविंग स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन से फॉर्म में आ गया कि अपने पास एक मूविंग चार्जेस के सराउंडिंग एक अदर मूविंग चार्जेस इज एक्सपीरियंस ए फोर्स इज नॉन द मैग्नेटिक फोर्स, और द सराउंडिंग दिस रीजन इज नॉन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स डेंसिटी से, या मैग्नेटिक इंडक्शन से नाम भी कहते हैं फ्लक्स, ये फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन भी बोला जाता है, इज डिनोट बाय द बी। फ्लक्स डेंसिटी से क्या मीनिंग है, तो दोस्तों डेफिनेशन यही इसी वर्ष में है कि अपन यहां कोई क्लॉज सरफेस ए रख दिया, वो एरिया रख दिया, सरफेस एलिमेंट रख दिया, क्लोज नहीं है, ओपन सरफेस एलिमेंट। बाय दिस लिंक द मैग्नेटिक लाइंस आर एज सच इनकमिंग एंड आउटकम। ठीक है, तो लिंक फ्लक्स बाय दिस सरफेस एलिमेंट, इच स्मॉल एलिमेंट इज द डीएस एज्यूम द टोटल इंटीग्रेट बाय द ए इज डी फाई इज इक्वल टू पी डॉट डीएस, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू यदि अपन बी मान लें तो उसका सरफेस इंटीग्रेशन इज नॉट द लिंक फ्लक्स बाय द दिस एलिमेंट, तो टोटल फ्लक्स वी कैन काउंट इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस, बट लिंक टोटल फ्लक्स टू क्लोज लूप यदि एस इज द बाउंडेड है बी डॉट ए तो इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। बट नॉट नेसेसरी फॉर द इलेक्ट्रिक फेनोमेना, यदि कोई ओपन सरफेस है तो उसमें लिंक फ्लक्स फी को अपन एस के इंटीग्रेशन फॉर्म निकाल सकते हैं, बट इज द क्लोज बाउंड्री या क्लोज सरफेस देन द टोटल सरफेस इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जीरो, और दिस इज इंडिकेट द मोनोपोल ऑफ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्लोज बाउंड्री के इनसाइड में नॉट ओनली एग्जिस्ट द सोर्स बट ऑल्सो बी सिंक एग्जिस्ट, या नॉट बोथ आर, दोनों नहीं है, जितना इनकमिंग वायर से आ रहा है उतना आउटगोइंग हो रहा है, तो अपन मोनोपोल या एक्सटर्नल सोर्स नॉट एग्जिस्ट ऑफ द मैग्नेट, और दिस इज सेकंड मैक्सवेल इक्वेशंस के इक्विवेलेंट होता है। तो इस मैग्नेटिक फेनोमेना की इस कंसेप्ट से अपन मैग्नेटिक फ्लक्स को डेंसिटी को डिफाइन करें, जो अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक बाय द सरफेस एलिमेंट ए इज नॉट द बी डॉट ए, कोई सरफेस एरिया ए है वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिनोट द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम कह सकते हैं, दोनों के बीच में कोई ओरिएंटेशन है इज द एंगल कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो अपने पास यहाँ मैं बी इज इक्वल टू लिखूँ तो फाई एम अपॉन ए कॉस थीटा, देखिए कि इफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सरफेस एलिमेंट इज वन, यूनिट एरिया का कोई सरफेस बाउंड्री है एंड थीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब प्लेस द नॉर्मल टू फील्ड, तो मतलब फील्ड के नॉर्मल यूनिट एरिया से पासिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज या फ्लक्स इज डू नॉट द बी, टेस्ला सर डायमेंशन होता है टेस्ला में नोट करते हैं ऐसा नहीं,
तो मतलब यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज लिंक फ्लक्स इज डिनोट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको अपन मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। बी की वैल्यू को अपन इस प्रोसेस में अपन सोलो इसकी डायमेंशन टेस्ला होती है, ठीक है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। अपने फ्लक्स में वेबर का अपन मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर डायमेंशन दिया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं। तो देखिए अपन इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के और इसी डायरेक्शन की वेक्टर फील्ड मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकाला, फिर एक बार मैग्नेटिक फोर्स का डायमेंशन कि मैग्नेटिक फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स तो लेट ए क्यू चार्ज विथ वेलोसिटी वी इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी एट एंगल थीटा। तो द फोर्स इज डिफाइंड बाय मैग्नेटिक फोर्स इज लॉरेंट्ज़ फोर्स इज नॉट एफ इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। इसको अपन स्टेटमेंट लिखें तो V B साइन थीटा इज द एन केप मतलब अलोंग टू मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कोई यूनिट वेक्टर है इज नॉर्मल टू V B प्लेन व्हेन एनी चार्ज इज इंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल उसमें इंटर होता है देन फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ओनली फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एट द डिस्प्लेसमेंट। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमेशा उसकी जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक पैरेलल कंपोनेंट होता है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। पैरेलल कंपोनेंट का कोई वक्र नहीं होता है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो उसको सर्कुलेटेड करता है। इसलिए अपन जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पर इंटर करते हैं तो उसका पाथ हेलिकल बन जाता है, और परपेंडिकुलर करते हैं तो कंप्लीटली उसका सर्कल बन जाता है। तो वो हेलिकल बनने का मतलब उसमें दो कंपोनेंट बन जाते हैं, वी कोस थीटा कंपोनेंट और वी साइन थीटा कंपोनेंट। तो साइन थीटा के कारण वो सर्कुलेट होता है और वी कोस थीटा के कारण वो डिस्प्लेस होता है। तो परपेंडिकुलरली इंटर कर दें तो देन बाय वर्कडन द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, डिस्प्लेसमेंट के जस्ट 90 एंगल पर होता है। तो अपन इस फोर्सेस के बेसिस पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को अपन डिफाइन करते हैं, स्केलरली अपन यूज करें या तो वेक्टरली है। तो स्केलरली इज इक्वल टू एफ वी क्यू वी साइन थीटा। देखो अपन ऐसा ले लें कि इफ Q is equal to one unit charge coulomb with unit velocity enter at 90 angle perpendicular to magnetic field, now magnetic field mein velocity mein angle hai ye, then experience force is equal to flux density, magnetic flux density ya magnetic induction ke barabar hota hai, Q barabar V barabar 90 perpendicularly enter karta hai to us par jo force experience hoga wahi kya hoga उस फील्ड की फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन वैल्यू, ठीक है। तो ये डायरेक्शन फाइंड करने की एक्टर क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन आर नॉट इक्वल सेम, ये दोनों भी सेम नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स राइट्स जो अपने पास रेगुलेशन रूल्स है अपन इसको लॉज कह सकते हैं कि अपने पास मैग्नेटिक फील्ड बी और मैग्नेटिक फोर्स एफ की डायरेक्शन को फाइंड करने वाले के लिए कुछ रेगुलेशन रूल्स हैं, वो अपन यहाँ थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कुछ नाम सुना होगा, राइट हैंड लॉ, स्क्रू लॉ, कॉक स्क्रू लॉ, स्विमिंग लॉ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लॉ, ये फ्लेमिंग लॉ, ठीक है।
तो अपन रूल्स पहले बात करें। रूल्स फॉर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी, बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, और बी इज द इंड्यूस बाय द करंट आई, इंड्यूस्ड बाय करंट, ये पता है अपन मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, करंट, मूविंग चार्ज। तो फर्स्ट राइट हैंड लो, दाएं हाथ का नियम कि इफ थंब एंड फिगर्स आर 90 ईच अदर, आर ओरिएंटेड इज एट एंगल 90 टाइप से है, तो इफ करंट अलोंग टू थंब देन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इन सर्कुलर अलोंग टू राउंडिंग ऑफ दिस फिगर्स, इन अंगुलियों के घूमने की दिशा में होगा, उसके चारों ओर 90 डिग्री पर होगा। जस्ट ऑपोजिट भी कह सकते हैं कि इफ करंट इज द सर्कुलर फ्रॉम द राउंडिंग ऑफ दिस हैंड, कि करंट का सर्कुलेशन इस हैंड के फिंगर्स की राउंडिंग के अलोंग है, देन इंड्यूस फील्ड अलोंग टू परपेंडिकुलर थंब, उस प्लेन के परपेंडिकुलर थंब के अलोंग होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाला, फाइंड करने का एक सिंपल स्लो है। स्क्रू लॉ भी अपन इसमें करते हैं, स्क्रू लॉ, कॉर्क स्क्रू, कि अपने पास एक कॉर्क, जैसे कई बार अपन किसी प्लेन के अंदर कॉर्क स्क्रू पैच, पेच कसना होता है, तो पैच को रोटेट करते हैं, तो यदि पैच को अपन रोटेट करें और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है या तो इनसाइड में या आउटसाइड में, तो पेस के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलोन टू करंट है, द रोटेशन ऑफ द स्क्रू इज डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इफ करंट अलोन टू रोटेशन ऑफ द दिस स्क्रू दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्क्रू इज डिनोट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस फील्ड, सेम कॉर्क स्क्रू लो भी होता है। तो अपन मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने वाले के लिए स्क्रू कॉर्ड रो या राइट हैंड रो थंब लो अपन यूज कर सकते हैं। अपने पास मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन का रूल्स क्या है, राइट हैंड पालम लो, दाएं हाथ के थप्पड़ का नियम, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लो, लेफ्ट हैंड का फ्लेमिंग लो आता है, सबसे इजी है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए तीन चीजें हैं कि उसके लिए कोई करंट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज मूविंग डायरेक्शन होनी चाहिए, कौन सी है, दूसरा फील्ड डायरेक्शन होनी चाहिए कि फील्ड में कोई मूविंग चार्ज रखेंगे तो ही तो कोई फोर्स लगेगा। तीन चीजें हैं कि मूविंग या डायरेक्शन ऑफ द करंट, या मूविंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन, या मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और फोर्स। ही तो फ्लेमिंग का फर्स्ट एंड सेकंड फिगर एंड थंब्स आर स्पीड परपेंडिकुलर ईच अदर, फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर्स आर स्पीडली म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, इनको अपन तीनों को एक दूसरे के 90 एंगल पर फैला लें, तो फर्स्ट एंगल इज डिनोट इज द बी एंड सेकेंड इज द मूविंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज या करंट डायरेक्शन, ये करंट डायरेक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, द थंब इज डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग अपन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो कैसे, कि थंब अलोंग टू किधर है, अपना जो थंब है, सॉरी फर्स्ट फिगर है अलोंग टू मैग्नेटिक फील्ड बी, सेकेंड फिगर है अलोंग टू करंट आई, और थंब इज डिनोट द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है,
राइट हैंड में फिंगर्स एंड थम्स आर स्पिन 90 इच अदर, देन इफ मैग्नेटिक फील्ड्स आर अलोंग टू फिगर्स, पॉजिटिव या करंट डायरेक्शन इज द लॉन्ग थंग, देन पालम परपेंडिकुलरली डायरेक्शन डिनोट द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को नोट कर। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं या नियम्स हैं जिनके द्वारा अपन हर कंडीशन के अंदर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन आ गए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में भी अपन मैग्नेटिक फोर्स को वैल्यू निकाल सकते हैं। कि मान लें कोई एक वायर है ऑफ लेंथ है इन विच करंट इज द आई, इस प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड बी, कि करंट को अपन मैग्नेटिक फील्ड, करंट वायर है ऑफ लेंथ एल एंड इज करंट कैरिंग द आई और प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड वी एट एंगल थीटा, देन फोर्स ऑन द दिस करंट एलिमेंट डीएल ने होके एल एम तो इज डिनोट बाय, देखो आई स्केलर क्वांटिटी है, एल क्रॉस बी वेयर एल इज डायरेक्शन अलोंग टू फ्लोइंग करंट, मतलब ऐसा नहीं कि आई स्केलर क्वांटिटी है लेकिन एल की डायरेक्शन अपन लेंथ इधर भी ले सकते थे, लेकिन लेंथ डायरेक्शन अलोंग टू द करंट फ्लोइंग और मैग्नेटिक फील्ड बी है कि प्लेन के परपेंडिकुलर, बराबर क्यू चार्ज में एल आई करंट में अपन ये डिफरेंस नोट करते हैं यहाँ वेलोसिटी के टर्म में हो, तो अपन एल लेंथ का यदि वायर जिसमें करंट कैरिंग आई है और उसको अपन यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपेंशन ये होगा। इसलिए अपन दो वायरों के बीच में एम्पियर्स लॉ, एम्पियर फोर्स कहते हैं इसको, एम्पियर फोर्स की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे मान लो यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर है इन विच करंट इज द आई वन, एक सेकेंड वायर इज द आई टू, ठीक है, देन इंटरेक्ट बिटवीन आई वन आई टू करंट कैरिंग वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक इंटरेक्शन, तो लेट कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑन दिस वायर इज डी एल टू, ऑन दिस करंट कैरिंग ए एलिमेंट इज डी एल वन, डी एल वन डी एल टू आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस डायरेक्शन अलोंग टू फ्लोइंग करंट, मतलब उसकी आई वन की डी एल थी उसकी आई टू, तो देन डिस्टेंस आर सेपरेट बाय डिस्टेंस आर वन टू, तो वेक्टर आर टू वन आर टू वन दोनों वेक्टर्स आर द इक्विवेलेंस सेम। तो अपन यदि मैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना से पहले अपन किसी आई करंट को डीएल एलिमेंट है तो अपन बाय शॉर्ट लॉ यूज करके पहले जैसे अपन किसी एक के कारण निकाले कि आई वन वायर कैरिंग वायर का एलिमेंट डी एल वन के कारण डी एल टू पर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बी वन टू निकालो, और फिर उस बी वन में यदि कोई करंट एलिमेंट डी एल लेल कीजिए यहाँ डी एल और आई टू यदि इस बी में प्लेस कर दे तो इतना फोर्स लगेगा, जस्ट इज इक्वल सेम फ्रॉम डी एल टू डी एल वन, और स्मॉल वायर पर लेंथ निकालते तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये अपने पास एक एम्पियर लॉ सीरीज में आता है। अभी बायो शॉर्ट लॉ का अपन जनरलाइजेशन जो एम्पियर फोर्स के रूप में करेंगे पर यूनिट लेंथ में, जैसे सिंपली आपको मैं बताता हूँ कि जो फोर्स एम्पियर लॉ है कि पर यूनिट लेंथ ऑफ फोर्स, क्योंकि यहाँ पर करंट कैरिंग वायर से पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला जो फोर्स है वो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई वन आई टू अपॉन आर, मतलब आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ आर वायर्स आर वन आई वन आई टू आई करंट वायर, तो ये इसको अपन एम्पियर पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स को एम्पियर फोर्स बोलते हैं। ये मे बी अट्रैक्टिव है मे बी रिपल्सिव, सेम डायरेक्शन है तो रिपल अट्रैक्टिव होगा, रिपल डायरेक्शन है तो रिपल्सिव होगा, वो अपन डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन करना कि जैसे अपन पहले डी एल वन जो एलिमेंट है अपन इसके कारण इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डी एल टू पर निकालें, फिर फ्लेमिंग का लो लगा के मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल, तो अपन को पता चल जाएगा रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है, इसको एम्पियर फोर्स लो कहते हैं, एम्पियर फोर्स बोला जाता है। तो अपन मैन बेसिकली तो अपन कंसेप्ट की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन था, अपन काफ़ी इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, यहाँ कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हैं।
तो जैसे अपने पास सिमिलरली मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, कूलॉम लॉ, गॉस लॉ, बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ होते हैं, और उन लॉज के बेसिस पर ही अपन आगे फील्ड का एनालिसिस करते हैं, किसी टाइप का कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अपन यहाँ जो बेसिक है बायो सावर्त लॉ, उसको अपन इंफ्लुएंस का डिफरेंशियल एंपियर लॉ अपन राइट करते हैं, जैसे गॉस लॉ करते हैं स्पेशली करंट डिस्ट्रीब्यूशन के। तो बायो सावर्त लॉ बेसिक फेनोमेना या बेसिक प्रिंसिपल एज ए सिमिलर कूलॉम लॉ फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मतलब वहां पर कोई चार्ज के कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अपन सिमिलरली बायो सावर्त लॉ से करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट में करंट फ्लो हो रही है, तो उससे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन उसका क्या निकाल सकते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन उसका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपन बायो सावर्त लॉ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। बायो सावर्त लॉज, सो जनरल फॉर्म बाद में अपन निकालें। मान लें कि कोई करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, करंट कैरिंग वायर है, उसका छोटा सा एलिमेंट डीएल अपन ले लिया, इन विच करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम प्लेन लोअर टू अप डायरेक्शन आई, यूनिफॉर्मली होगा पूरा वायर में, एक सीरीज में है। ऑफ दिस सेंटर पॉइंट ऑफ डीएल एलिमेंट इज ओ, यहाँ पर ओ है, इसमें करंट कितनी आई, तो अपन डीएल की डायरेक्शन ये होगी। इस डीएल के डायरेक्शन से अपने पास एक स्पेस में ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है एट एंगल, यहाँ इस पर एक टेंजेंशियल लाइन खींचें तो वहाँ से कितना एंगल बन रहा है थीटा, मतलब उस एलिमेंट के ओरिएंटेशन से एट एंगल थीटा पर कोई पॉइंट पी है, और एट डिस्टेंस आर पर है, कि आर डिस्टेंस के ऊपर अपने पास यहाँ एक पॉइंट पी है और डीएल एक एलिमेंट है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ पर वो अपन निकालना चाहते हैं। तो बायो सावर्त लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपन इसके बायो सावर्त लॉ की स्टेटमेंट का अपन पॉइंट टू पॉइंट अपन एनालिसिस करें, कि सबसे पहले कोई करंट एलिमेंट है वो डीएल एज्यूम कर लिया, इसमें इस करंट आई इज फ्लोइंग दिस लाइन फ्रॉम दिस एलिमेंट एट आर डिस्टेंस इन स्पेस ए पी पॉइंट एट ओरिएंटेशन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट से इसका ओरिएंटेशन कितना है थीटा एंगल। तो बायो सावर्त लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट है कि दैट इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड टीवी एट पॉइंट ऑब्जर्वेशन इज प्रपोर्शनल टू करंट एलिमेंट मैग्नीट्यूड, उस करंट एलिमेंट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है आइडियल। सेकंड स्टेटमेंट है कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली स्क्वायर टू द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट या फ्रॉम एलिमेंट, मतलब उस पॉइंट पी की उस एलिमेंट से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन इज प्रोपोर्शनल टू जा ऑफ ओरिएंटेशन एंगल साइन एंगल प्रोपोर्शनल साइन थीटा। मीडियम की परमिबिलिटी, मीडियम को यहां अपने पास एक कॉन्स्टेंट डिपेंड की फ्री स्पेस मीडियम है, तो इसमें टेंशन को इंक्लूड किया गया, डिस्टेंस को इंक्लूड किया, सावर्त लॉ के स्टेटमेंट में तीन स्टेटमेंट्स हैं जिनके बेसिस पर अपन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की यहां सिंपली फॉर इज नॉट जीरो,
ये ध्यान रखना, इसलिए अपन उसको कोऑर्डिनेट फ्रेम में डिफाइंड कराएंगे रिलेटिवली है। यहाँ जो ये वैल्यू है वो स्केलर में, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा और डायरेक्शन भी अपन बता सकते हैं कि राइट एंड लेफ्ट है। क्रॉस बी है, दो वेक्टर है अपने पास, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर बी इधर है, इनके बीच में एंगल है, तो ए क्रॉस बी इज ऑल्सो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बी ऑफ दिस डायरेक्शन इज, अब ए से बी इज द क्लॉकवाइज आ गई, देन परपेंडिकुलरली इनसाइड। और यदि अपन बी क्रॉस ए कर दें ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन बट अपवर्ड डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, दो वेक्टर्स का जो क्रॉस है एंटी क्लॉकवाइज में होता है तो उसका परपेंडिकुलरली अपवर्ड होता है, और यदि दोनों का क्रॉस क्लॉकवाइज होता है तो उसका परपेंडिकुलरली इनसाइड होता है। तो यहाँ दो वेक्टर आइडियल और आर का यदि अपन क्लॉकवाइज करते हैं तो इनसाइड परपेंडिकुलर आ जाएगा, इसलिए अपन कहते हैं ये डायरेक्शन में आइडियल क्रॉस साइन थीटा पर 18 है, तो आर से जो वेक्टर ऊपर केवल एक डीएल है नीचे आर, तो वेक्टर आर में तो आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वेक्टर फॉर्मूलेशन डीबी म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, यहां आर क्यूब, आर ऊपर ले जाते हैं, आई तो स्केलर है क्वांटिटी, डीएल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आ गया नीचे आर क्यूब, साइन थीटा हट गया ऑटोमेटिक इसमें इंक्लूड हो गया, एक क्रॉस बी साइन थीटा आएगा जब ओपन करेंगे, तो ये इसका वेक्टर फॉर्मूलेशन है, जहां रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्शन टू सोर्स रीजन से रिलेटिव डिस्टेंस आर है, वेयर आर इज नॉट जीरो। तो अपन इसका जनरलाइजेशन करें कोऑर्डिनेट्स में, जैसे अपन जनरल से मतलब सोर्स रीजन, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कोई एलिमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है करंट, और अपना यहाँ जो रीजन है अपना पॉइंट है वो फिक्स है कोई एक्स, और यहाँ एक्स डेस रीजन है, उसका कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट। पहले अपन इसको टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट फॉर्म से, इंटीग्रेशन म्यू नॉट 4 पाई आर क्यूब आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर, तो यहाँ डी टो वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी टो आएगा, डी यहाँ पर क्या है लेंथ है, तो इसलिए क्या करेंगे पूरे टोटल इंटीग्रेशन डीएल, डीएल इंक्लूड है कि अपन इसका अपन स्केलर स्केल को अपन को चेंज करना पड़ेगा, तो यहां पर अपने पास ही सिंपली टोटल लेंथ एल के लिए आ गया वायर की, लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूशन कोई वॉल्यूम रीजन में हो तो इसको अपन इसका जनरलाइज को अपन अपने पास एक आइडियल वेक्टर है, यहां करंट में चेंज कर दें इसको, आई मैग्नीट्यूड है, डायमेंशन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो उसका क्रॉस चतुर्फल उसका, तो उसको डीएल से कर दे डी टॉप,
या वेक्टर अपनी डायरेक्शन जे जे की डायरेक्शन उस सरफेस क्रॉस सेक्शन वायर में करंट की डायरेक्शन में होगा, तो वो सेम ही डीएल भी करंट की टोटल करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपन। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन जे इज द फंक्शन ऑफ एक्स डैश एंड एक्स माइनस एक्स डैश इज द वेक्टर, और यहां वॉल्यूम एलिमेंट को डी थ्री एक्स अपन जो करंट डेंसिटी की जो वैल्यू है वो अपन इस फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। फॉर्म में माइनस वन अपॉन आर अपॉन आर, लेकिन यदि मैं सिंगुलरली डैश प्राइम और डैश में प्राइम कोऑर्डिनेट पर है और आर की जगह अपना एक्स माइनस केवल पॉजिटिव में एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश की पावर क्यूब में ले सकते हैं।
डेल इज द फंक्शन ऑफ एक्स, नॉट एक्स प्लेस, बट हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन चल रहा है।
ठीक है, वो एक किसी कर्ल, किसी क्वांटिटी का कर्ल है, और कर्ल का डाइवर्जेंस ऑलवेज, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल, मतलब डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए इज ऑलवेज जीरो में। तो इसके बेसिस पर अपने पास एक फर्स्ट मैग्नेटोस्टैटिक इक्वेशन आ गई जीरो, इस फर्स्ट मैग्नेटोस्टैटिक इक्वेशन तो रिलेटेड टू सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, मतलब किसी क्लोज बाउंड्री से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेंड टू फोर्स ऑफ मैग्नेट इंडिविजुअली नॉट एग्जिस्ट, उसका जो अर्थ है अपने पास किया कि अपन ने जो इंटीग्रेशन सोल्व किया इसका, और यहां से एक अपन कंक्लूजन अपन पहले से इस इक्वेशन बन कि यहां पर जैसे को डेल क्रॉस है, इसको वेक्टर ए लिखा जाता है, टेकिंग द कर्ल ऑफ इक्वेशन वन, ये चॉइस ऑफ लॉस है, डेल क्रॉस बी x माइनस x क्या होता है, एक क्रॉस डॉट बी बाहर आता है, डेल डॉट डेल
और सी क्रम पर थोड़ा ध्यान अंदर लिख this not del is concerned not del ka function इंटीग्रेशन फ्रॉम रिड्यूस टू जीरो वो
राइट साइड में एक इंटीग्रेशन बचा है, मैं दोबारा न्यू नोट अपन करें तो माइनस माइनस इक्वेशन के डेरिवेशन में यूज करते हैं।